नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला भिंडी। ये बहुत चटपटी, स्वादिष्ट और जायकेदार बनती है और बहुत जल्दी भी बन जाती है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। करीब 250 ग्राम इसको मैंने धो के काट के रख लिया, करीब 1 इंच के टुकड़े किए। 1 लेंगे बड़ा प्याज, इसको मैंने काट के रख लिया। 1 लेंगे बड़ा टमाटर, इसको भी मैंने काट के रख लिया। हम लेंगे कुकिंग ऑयल, कुकिंग ऑयल आप कौन सा ले सकते हैं, 3 चम्मच। दही लेंगे करीब 150 ग्राम, इसको मैंने फेंट के रख लिया। हरी मिर्ची लेंगे 3 से 4 चम्मच, 3 से 4 काट के रखी है छोटी छोटी। फिर हम लेंगे नमक, आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं। मिर्ची 1 टेबल स्पून, आधा टेबल स्पून हल्दी, आधा टेबल स्पून धनिया पाउडर, आधा टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, आधा टेबल स्पून क्यूमिन सीड्स और अजवाइन। 1 इंच लेंगे हम ही, 1 चम्मच हम लेंगे अजूर पाउडर, ड्राई मैंगो पाउडर, 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे। गैस ऑन करने के बाद में हम पेन को गर्म करेंगे। पेन गर्म करने के बाद में हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। कुकिंग ऑयल को गर्म होने देंगे। इसके बाद हम हमारी भिंडी को शैलो फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम के ऊपर, और इसको बीच बीच में हम हिलाते भी रहेंगे जिससे कि हमारी भिंडी चारों तरफ से अच्छे से कुक हो जाए। भिंडी कुक हो चुकी है, ज़्यादा कुक भी नहीं करनी है, मीडियम कुक करनी है। गैस बंद कर देंगे। गैस बंद करने के बाद में हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे इन भिंडियों को। इन भिंडी को निकालने के बाद में हम इनको साइड में रख देंगे सारी भिंडियों को। फिर इसके बाद हम वापस गैस ऑन करेंगे। फिर इसके बाद पेन चढ़ा के तेल गर्म करेंगे। मैंने वही तेल के काम में लिया और इसमें डालेंगे जीरा और अजवाइन, लाल मिर्ची और कटा हुआ प्याज। ये डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल देंगे। फिर इसको मिक्स कर लेंगे। करीब 1 से 1.5 मिनट तक हम इसको पकाएंगे लो मीडियम फ्लेम पे, जिससे कि हमारे प्याज थोड़ा सा भून जाए। ये देखिए प्याज भून चुके हैं। अब इसके अंदर हम अभी हरी मिर्ची जो काट के रखी थी वो डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, और हम हींग डालेंगे इसके अंदर, और हम अमचूर पाउडर डालेंगे, और साथ में गरम मसाला पाउडर भी। और सारे मसाले डाल के हम इनको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर हम इनको पकाएंगे। अब इसके अंदर टमाटर डाल देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर डालने के बाद में अच्छे से मिक्स करेंगे और करीब 1 मिनट तक इनको ऐसे पकाएंगे कि ये सारा मसाला हमारा मिक्स हो जाए। अब ये इसके अंदर 1 मिनट के बाद में हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद में हम इसको कवर करके पकाएंगे 3 से 4 मिनट तक, जिससे कि हमारे मसाला और तेल अलग हो जाए हमारी सब्जी से। इस मसाला पूरा पकना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना नहीं तो स्वाद बिगड़ जाता सब्जी का। तो इसको कवर करके पकाएंगे 3 मिनट के बाद। देखिए सब्जी में तेल अलग हो चुका है सब्जी से, मिक्स कर लेंगे एक बार अच्छे से। अब हम इसके अंदर दही डालेंगे। दही डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। हिलाते रहेंगे गैस का फ्लेम हम फुल कर देंगे एकदम हाई पे। ये देखिए मैं गैस बढ़ा देता हूँ और इसको थोड़ी सी देर हम मिलाते रहेंगे, और 2 मिनट तक इसको कवर करके हम पकाएंगे। अभी इसको कवर करके रख देंगे। देखिए 2 मिनट के बाद में हमारी सब्जी में उबाल आ चुका है। तो देखिए
तेल अलग हो चुका है सब्जी से, हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद में हम इसके अंदर डालेंगे हमारी भिंडी जो हमने फ्राई करके साइड पर रखी थी, हम वो इसके अंदर डालेंगे। भिंडी डालने के बाद हम इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छे से। भिंडी मिक्स हो जाएगी तो हम इसके अंदर डालेंगे नमक। नमक आप स्वाद अनुसार कम या ज्यादा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, और इसको कवर करके हम 2 मिनट तक लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। देखिए हमारी सब्जी रेडी हो चुकी है, सब्जी पक चुकी है। चटपटी भिंडी खाने में बहुत स्वाद और लजीज बनती है। गैस बंद कर दिया, गैस बंद कर देंगे, इसको ठंडा होने देंगे थोड़ा, क्योंकि ठंडा होने के बाद सर्व के लिए हमारी सब्जी रेडी है। और इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। गर्मा गर्म भिंडी, चटपटी भिंडी, मसालेदार भिंडी, दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।